आप लोग प्रूफ देख ही सकते हो स्क्रीनशॉट का मदद से। आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, यानी कि एप्लीकेशन मेरा अप्रूव हो गया। तो कैसे अप्रूव हो गया और कैसे अप्लाई करना होगा इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करके। और एम हिंदी टेक चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक का एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आप लोग को यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं एक्सिस बैंक का एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हूँ तो इसलिए मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, फिर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद में अपना पैन नंबर डालना होगा। ठीक है, फिर आप लोगों का एरिया का पिन कोड नंबर डालना है। डालने के बाद में फिर आप लोगों को एनुअल इनकम देना है। इनकम देने के बाद में नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप लोग को अपना आधार कार्ड पे जो नेम है वो नेम इस पर डालना है। ठीक है, फिर आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डालने के बाद में कार्ड पे क्या नाम चाहते हैं वो नेम डालना है। डालने के बाद में नीचे अपना मदर्स नेम और फादर्स नेम डालना है। ओके, फादर्स नेम डालने के बाद में अपना मेरिटल स्टेटस आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। आप मेरिट हो तो मेरिट सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग सिंगल सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, फिर आप लोग को अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आप फीमेल हो ना मेल हो आप लोग को सिलेक्ट करना है। फिर अपना करंट रेस्टोरेंट एड्रेस फिल करना है, फुल एड्रेस। आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही एड्रेस आप लोग को फिल करना है। ओके, फिर आप लोग को अपना एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अपना ईमेल आईडी डालना होगा, तो ईमेल आईडी सही सही डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद में बॉक्स पे टिक करना है। करने के बाद में नीचे दिख जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक करना है। ओके, लोग सैलरीड हो तो सैलरीड सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, तो सब डिटेल्स आप लोगों को अच्छा से फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद में आप लोगों को डालना होगा ये बिजनेस आप कितना दिन से कर रहे हो। ठीक है, 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी है आप लोगों को डालना है। ठीक है, ये सब डिटेल्स आप लोगों को अच्छा से फिल करना होगा। फिल करने के बाद में नीचे दिख जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों को कार्ड दिख जाएगा, कार्ड सेलेक्ट करना है, तो आप लोग माइजोन क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यही लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड का बेनिफिट क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। बहुत सारा बेनिफिट आप लोग को मिलेगा और ये कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री होने वाला है। फिर आप लोग को कार्ड को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओके, ओटीपी को आप लोग को फिल करना होगा। ओके, ओटीपी फिल करने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है, यानी कि बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद में टर्म कंडीशन आएगा, रीड करना है। रीड करने के बाद में आई एग्री पे आप लोग को क्लिक करना है। ओके, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में फिर नीचे दिख जाएगा सबमिट, सबमिट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर मिल गया और एप्लीकेशन सबमिट हो गया। ओके दोस्तों, एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगा फिर आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को 2 दिन वेटिंग करना होगा। वेटिंग करने के बाद में एक SMS आएगा इसी तरह का। ठीक है, इस SMS पे बता दिया जाएगा आप लोग का एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, आप एलिजिबल हो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, और आप एलिजिबल नहीं होते हो तो तब आप लोगों को एक ऐसा SMS आएगा, इस पर बता दिया जाएगा आप नॉट एलिजिबल हो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए और आप लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपका ईमेल पे भी एक ईमेल आएगा, उस पर एक PFD होगा। PFD को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को दिखेगा आप नॉट एलिजिबल हो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए। तो आप लोग एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों का मोबाइल पे एक कॉल आएगा। कॉल के दौरान आपसे डिटेल्स लिया जाएगा, डिटेल्स लेके वीडियो कैपेसिटी का लिंक सेंड करेगा। लिंक सेंड करने के बाद में आप लोगों को वीडियो कैपेसिटी करना होगा। फिर कॉल वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में या तो ऑफलाइन होगा या तो ऑनलाइन होगा, या तो कॉल वेरिफिकेशन होगा, होने के बाद में आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। फिर 5 से 6 दिन के अंदर कार्ड मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को शायद मिल गया होगा। तो आप लोग भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। विदाउट इनकम प्रूफ एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। आप लोगों के पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तब भी आप लोगों को एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, लेकिन सिविल स्कोर थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा। आपका एक्सिस बैंक पे कोई अकाउंट नहीं है, आपको प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिलता है तब भी आप लोगों को कार्ड मिलेगा, लेकिन सिविल स्कोर थोड़ा अच्छा होगा तो 100% आप लोगों को कार्ड मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी शायद मिल गया होगा। ठीक है, तब भी आप लोगों का मन में कोई खुसर है तो वीडियो का नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू।